14 अक्टूबर को वो दीक्षा का प्रोग्राम बाबा साहब अंबेडकर जी का संपन्न हुआ। दूसरे दिन बाबा साहब अंबेडकर जी का यानी 15 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अंबेडकर जी का मुख्य भाषण हुआ और 16 अक्टूबर को फिर से जाके बाबा साहब अंबेडकर जी ने चंद्रपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा वापस ग्रहण की और लाखों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। और उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर वही नहीं रुकते, 15 दिसंबर 1956 को मुंबई के सबसे बड़े ग्राउंड में रेस कोर्स का जो ग्राउंड है जहां पर अमीर लोग घोड़ों के ऊपर पैसे लगा के जुआ खेलते हैं, वो सबसे बड़े ग्राउंड पे बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया। और उस प्रोग्राम की, उस बौद्ध धर्म की दीक्षा के कार्यक्रम की जानकारी ऐसी है, एक किताब में मुझे वो जानकारी मिली कि मुंबई में जितने भी कपड़ों के दुकानें हैं उन कपड़ों के दुकानों में एक भी व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, व्हाइट साड़ी, जो हम लोग धम्म के दीक्षा के प्रोग्राम में सफेद कपड़े पहनकर आते हैं, वो सफेद कपड़ा एक भी बेचने के लिए, बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं था। इतनी बड़ी संख्या में मुंबई के सारे दुकानों से सफेद कपड़े बिक गए थे। इतने लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के 15 दिसंबर 1956 के प्रोग्राम में शामिल होने वाले थे। मगर बाबा साहब अंबेडकर जी का इसी दिल्ली में 6 दिसंबर को, 5 दिसंबर को ही बाबा साहब अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण हो गया और 15 दिसंबर का जो बाबा साहब अंबेडकर जी का निर्धारित कार्यक्रम था मुंबई का, वो हुआ नहीं। और उसके बाद कलकत्ता का प्रोग्राम था और उसी तरह से बाबा साहब अंबेडकर जी के ये बौद्ध धर्म के दीक्षा के कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में लग गए थे। उसका शेड्यूल बन चुका था लेकिन 6 दिसंबर बाबा साहब अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण हो गया और वो जो धम्म दीक्षा के कार्यक्रम थे वो रुक गए। और उसका परिणाम आज ऐसा हुआ है, जिन बाबा साहब अंबेडकर जी ने घोषणा की थी कि मैं भारत को बौद्धमय बनाऊंगा और उस सफर के और बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपना कारवा बढ़ा दिया था, 9 लाख लोग एक दिन में बाबा साहब अंबेडकर जी अगर बौद्ध इस देश में दीक्षा देते हैं, उन लोगों को बौद्ध बनाते हैं, दूसरे दिन फिर से जाके उतने ही संख्या में बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं और अगले कार्यक्रम दीक्षा के लगाते हैं, यानी इसका मतलब अगर बाबा साहब अंबेडकर बौद्ध धर्म के दीक्षा के कार्यक्रम इसी तरह से अगर उसको कंटिन्यू रखते तो करोड़ों में आज बुद्धिस्ट होते। लेकिन भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार बताना चाहूंगा, बाबा साहब अंबेडकर घोषणा करते हैं मैं भारत को बौद्धमय बनाऊंगा, 2011 में ये इंडियन सेंसस जो जनगणना करते हैं उन्होंने अपने आंकड़े दिए हैं कि भारत में हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, क्रिश्चियन कितने हैं, जैन कितने हैं और बौद्ध कितने हैं। उसमें भारत सरकार ने लिखित स्वरूप में ये इस देश में हम लोगों को कहा कि इस देश में बौद्ध कितने रहते हैं। देखो बाबा साहब घोषणा कर रहे हैं मैं भारत को बौद्धमय बनाऊंगा और भारत सरकार कहती है कि इस देश में बौद्ध है 0.6%, 1% भी इस देश में बुद्धिस्ट नहीं है, इस तरह के आंकड़े इस देश ने रखे 2011 के इंडियन सेंसस के वेबसाइट के गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट पे जाकर आप चेक कर लीजिएगा, 0.67%, यानी 1% भी इस देश में बौद्ध नहीं रहते, इस तरह के आंकड़े खुद भारत सरकार ने दिए। और इसलिए मैंने कहा अगर आपको प्रोग्राम चाहिए, मेरे प्रोग्राम की एक ही कंडीशन होती है, मेरे प्रोग्राम हर स्टेट में हो रहे हैं, महाराष्ट्र में हो रहे हैं, आंध्रा में हो रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, अभी कल उत्तर प्रदेश जाके परसों हरियाणा जाना है, हर एक स्टेट में हो रहे हैं, कि एक ही कंडीशन मेरी होती है, एक ही कंडीशन है, उनको पहले बौद्ध धर्म की दीक्षा देना। आप बौद्ध धर्म की दीक्षा दे रहे हो तो मैं आता हूं, वरना मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं आने की। और इसलिए मैंने भंडारी जी से कहा कि सिर्फ प्रोग्राम मनोरंजन का नहीं होना चाहिए, कुछ रिजल्ट उसमें से मिलना चाहिए। और इसलिए आज जो फॉर्म मैंने आपको दिए हैं, ये फॉर्म आप जैसे ही हमको भर के दोगे, ये जो दीक्षा के सर्टिफिकेट हमने बनाए, दीक्षा के सर्टिफिकेट आपको दिए जाएंगे और उसकी कार्बन कॉपी हमारे पास होगी।
यानी आज यहाँ पर आप लोग 100-200 लोग जितने भी लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाले हो उसकी कार्बन कॉपी मेरे पास आती है और उसकी कार्बन कॉपी से एक रजिस्टर के ऊपर हम एंट्री करते हैं, एक रजिस्टर के ऊपर एंट्री करते हैं और रजिस्टर में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये एक पब्लिक ट्रस्ट है, हर साल हमको चैरिटी कमिश्नर को अपने अपने ऑडिट देना पड़ता है, अपने अपने रिपोर्ट्स देने पड़ते हैं, तब जाके ये जो कार्बन कॉपी में जिसको ओरिजिनल धम्म दीक्षा का कॉपी हमने दिया है उसकी कार्बन कॉपी का अहवाल हम चैरिटी कमिश्नर को देते हैं। यानी दिल्ली में 14 अक्टूबर 2017 को कितने लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी है ये मुझे 31 मार्च 2018 को सरकार को बताना पड़ता है। और ये जो हमारे आंकड़े आज जो आप लोग मेरे सामने बौद्ध बैठे हो, आप सभी लोग आज मुझे सुनने आ रहे हो, भंते जी को सुनने आ रहे हो, तो आप लोग बुद्धिस्ट ही हो ना, सभी लोग बुद्धिस्ट हो सभी लोग। लेकिन मैं आपका भ्रम दूर करना चाहता हूं, कितने लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा यहां पर ली है, प्रमाण पत्र है सबके पास? तो हम लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं, हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है। तो अगर आप लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हो और जो आपको दीक्षा दे रहा है वो सरकार को नहीं बता रहा कि मैंने इतने लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी है, सरकार को कहां से पता चलेगा? सरकार को कोई पता नहीं चलेगा। और इसलिए ये काम हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जितने लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दे रहे हैं दूसरा अहवाल दूसरा आंकड़ा हम सरकार को देते हैं कि इतने लोगों को हम लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी है। आप लोगों को याद होगा आपके ही दिल्ली में एक जंतर मंतर में एक बड़ी रैली हुई जब भीम आर्मी और वो जो अत्याचार हुए सहारनपुर में, जो अत्याचार हुए अनेक लोग वहां पर गए, अनेक नेता वहां पर गए। उस सहारनपुर की घटना के बाद अनेक लोगों ने अनेक आश्वासने वहां पर दी कि हम आपको 1 लाख रुपए देते हैं, हम आपको कुछ नौकरी देते हैं। मेरे पास कुछ लोग आए कि साहब आप भी सहारनपुर आए और वहां के लोगों का दुख सुने और लोगों ने मुझसे विनती की कि आप क्या देने वाले हो। मैंने कहा मैं आपको कोई नौकरी नहीं देने वाला, मैं आपको कोई पैसे नहीं देने वाला, मैं आपको कोई घरदार नहीं देने वाला, लेकिन मैं आपको बौद्ध धर्म की दीक्षा देना चाहता हूं। क्या बौद्ध धर्म की दीक्षा लोगे?